एट 600 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस एक्स, इसका मोलर मास दिया हुआ है 40, इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस वाई एट 90 केल्विन, द मोलर मास ऑफ द गैस वाई इज, देखिए सिंपल अगेन, जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, 3RT डिवाइड बाय m, m इज मोलर मास, एंड सिमिलरली जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है उसका होता है 2RT डिवाइड बाय m, करेक्ट। बस इसमें जो टेम्परेचर जो दी, देखे r कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, m की वैल्यू दी हुई है, m और t निकालना है, m निकालना है इसका, सिंपल निकाल। अब देखिए इक्वल दी हुई है, इज इक्वल टू, तो URMS ऑफ गैस x एट टेम्परेचर 600 केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू यू मोस्ट प्रोबेबली स्पीड ऑफ गैस y एट 90 केल्विन, ये कंडीशन दी हुई है तो वैल्यू रख लीजिए, तो 3 इंटू आर तो कॉन्स्टेंट हो गया, टेम्परेचर 600 डिवाइड बाई m क्या दिया हुआ है इसका 40, इक्वल्स टू अगेन 2 इंटू आर, टेम्परेचर क्या हुआ इसका 90 डिवाइड बाई m हमें निकालना है। देखिए अब ये तो हमने हटा दिया, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये हट जाएगा, ठीक है, r से r गया, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर आपका 2 इंटू 90 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 600, पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू 4, कैलकुलेट करना गाइस एक बार, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया, 4 ग्राम पर मोल, ओके।